आज हम किस पॉइंट पे बात करेंगे? देखो, बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जो एनएबी सस्ता है, एनएबी का प्राइस कम है, तो ये समझते हैं कि वहाँ इन्वेस्टमेंट करना हमें ज़्यादा यूनिट मिलेगा और वहाँ पे पैसा ज़्यादा बन सकता है। आज मैं आपके सामने एक क्वेरी रखूँगा और उस क्वेरी के थ्रू कई ऐसे इन्वेस्टर को समझ में आएगा कि क्यों एक ही म्यूचुअल फंड का एनएबी में इतना डिफरेंस देखने को मिलता है। यहाँ पे रेगुलर प्लान का एनएबी देखोगे, डायरेक्ट प्लान का एनएबी देखोगे, तो एनएबी के प्राइस में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। अब ऐसे स्थिति में इन्वेस्टर ये समझते हैं जहां पे एनएबी काफी सस्ता है वहां पे पैसा लगा दो, वहां पे ज्यादा मेरा यूनिट मिलेगा और पैसा भी ज्यादा बन सकता है। चलिए, कौन सा क्वेरी है सबसे पहले देख लेते हैं। सर जी, मैंने आज एसबीआई स्मॉल के फंड प्लान में एसआईपी कर रहा था। डायरेक्ट प्लान में एनएबी 128 रुपये और रेगुलर प्लान में 115 रुपये एनएबी, दोनों में इतना फर्क। तो इस क्वेरी के थ्रू मैं बहुत कुछ यहाँ पे सॉल्व करूंगा। पैसा कहाँ पे ज्यादा बनता है, क्यों इतना एनएवी के प्राइस में डिफरेंस देखने को मिल रहा है और कैसे यहाँ पे सबसे ज्यादा पैसा बन सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले म्यूचुअल फंड रिलेटेड कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पूरा डिटेल चेक करें और डिटेल के बेसिस पे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अब एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के एनएबी की बात करें तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इन दोनों म्यूचुअल फंड का एनएबी का प्राइस क्या चल रहा है। अगर मैं आपके सामने एसबीआई स्मॉल कैप डायरेक्ट प्लान का एनएबी रखूं तो 128.99 रुपीज़ के करीब में, आप कह सकते हो 129 रुपीज़ के करीब में है। वहीं पे अगर एसबीआई स्मॉल कैप रेगुलर प्लान की बात करूं तो एनएबी का प्राइस 115 रुपये के करीब में है। अब इतना ज़्यादा डिफरेंस, अब इस डिफरेंस को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। 2013 में सेबी ने यहाँ पे डायरेक्ट प्लान इंट्रोड्यूस किया। इट मीन्स कि उसके पहले अगर इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते भी थे तो रेगुलर प्लान में ही लगाना पड़ता था, और या तो आपको डिस्ट्रीब्यूटर या तो एजेंट के थ्रू ही पैसा लगा सकते थे। उसके पहले कोई भी ऐसा साधन नहीं था या कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था जहां पे आप डायरेक्ट इंडिविजुअल लेवल पे जाके इन्वेस्टमेंट कर सको। 2013 में सेबी के द्वारा जब इंट्रोड्यूस किया गया डायरेक्ट प्लान, तो वहां पे हर एक इंडिविजुअल या इन्वेस्टर अगर चाहे तो डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्टमेंट कर सकता था। इट मीन्स कि वहां पे किसी को कमीशन देने की जरूरत नहीं। 2013 1 जनवरी के बाद डायरेक्ट प्लान का भी ऑप्शन इन्वेस्टर को देखने को मिला। तो जब रेगुलर प्लान था 2013 जनवरी के पहले, तो जब यहाँ पे डायरेक्ट प्लान आया तो रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान का एनएबी भी सेम था। जी हाँ, 1 जनवरी के आसपास अगर आप देखोगे तो हर एक म्यूचुअल फंड का रेगुलर और डायरेक्ट प्लान का जो एनएबी है वो आपको सेम ही देखने को मिलेगा। जैसे कि मैं आपके सामने यहाँ पे एग्जांपल रखता हूँ, आप देख सकते हो ये एसबीआई स्मॉल के रेगुलर प्लान का एनएबी है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ 4 जनवरी 2013 का एनएबी का प्राइस, तो आप देख सकते हो 12.93 रुपीज़ के करीब में है। जी हाँ, ये रेगुलर प्लान का एनएबी है 4 जनवरी 2013, याद रखना आप। वहीं पे अगर मैं डायरेक्ट प्लान का देखूं एनएबी 4 जनवरी 2013, तो यहाँ भी जो एनएबी का प्राइस देखने को मिल रहा है 12.93 के करीब में। तो जब डायरेक्ट प्लान आया था तब तो एनएबी का प्राइस सेम था, लेकिन अब एनएबी के प्राइस में इतना ज़्यादा डिफरेंस कैसे देखने को मिला? देखो, मैं आपको बता दूं, जहां पे खर्चा ज़्यादा होगा वहां पे एनएबी का प्राइस काफ़ी तेज़ी से ऊपर नहीं जाएगा, जहां पे खर्चा कम होगा वहां पे एनएबी का प्राइस ज़्यादातर आपको ऊपर जाता हुआ देखने को मिलेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपके सामने एक सिंपल एग्जांपल रखता हूं। कोई आप बिजनेस कर रहे हो, उस बिजनेस में अगर खर्चा कम होगा तो प्रॉफिट ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, अगर उस बिजनेस में खर्चा ही ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट में आपको कमी देखने को मिलेगा। वैसे ही एनएबी के प्राइस से ही डिसाइड होता है कि कोई म्यूचुअल फंड में कितना प्रॉफिट हुआ, और अगर किसी भी म्यूचुअल फंड में यहाँ पे खर्चा ज़्यादा होगा तो वहाँ पे प्रॉफिट भी कम देखने को मिलेगा और वहाँ पे एनएबी के प्राइस में आपको ज़्यादा ज़्यादा तेज़ी देखने को नहीं मिलेगा और छलांग भी देखने को नहीं मिलेगा, और अगर यहाँ पे खर्चा कम होगा तो वहाँ पे एनएबी का प्राइस आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब मैं दूसरे तरह से आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। देखो, अगर मैं रेगुलर प्लान की बात करूँ, स्पेशली एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की बात करूँ, जो रेगुलर प्लान है, जो एक्सपेंसेस रेशियो है वो 1.68% के करीब में है, जबकि अगर प्लान की बात करूँ तो जो एक्सपेंसेस रेशियो है वो 0.70% के करीब में है। अब जो इतना डिफरेंस है आप देख सकते हो, अब हर साल जो ये खर्चा है
ये रेगुलर प्लान में ज़्यादा देखने को मिल रहा है और इसीलिए वहाँ एनएबी का प्राइस ज़्यादा ऊपर की ओर भागता हुआ नहीं देखने को मिला, जबकि डायरेक्ट प्लान में यहाँ पे खर्चा कम है जिससे यहाँ पे एनएबी का प्राइस ऊपर की ओर भागता हुआ देखने को मिला है। और भी सिंप्लीफाई करता हूँ, देखो कई ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पता होगा कि जो एक्सपेंसेस रेशियो होता है वो एनएबी में ही एडजस्ट हो जाता है, हर दिन कैलकुलेट होके आपके एनएबी में एडजस्ट हो जाता है। अब हर दिन जब किसी भी म्यूचुअल फंड का खर्चा ज़्यादा होगा तो एनएबी का प्राइस भी आपको कम देखने को मिलेगा। अब किसी भी म्यूचुअल फंड का अगर खर्चा कम होगा एनएबी का प्राइस ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो रेगुलर प्लान में, स्पेशली एसबीआई स्मॉल कैप रेगुलर प्लान में, एक्सपेंसेस रेशियो काफ़ी ज़्यादा है जिसके चलते उसका एनएबी प्राइस काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ऊपर जाता हुआ नहीं देखने को मिला 2013 फर्स्ट जनवरी के बाद। और यहाँ पे डायरेक्ट प्लान में खर्चा कम है इसीलिए इस म्यूचुअल फंड के एनएबी का प्राइस 2013 फर्स्ट जनवरी के बाद यहाँ पे तेज़ी से बढ़ता हुआ देखने को मिला। और यही रीज़न है कि यहाँ पे जो रेगुलर प्लान है उसका खर्चा ज़्यादा इसीलिए एनएबी का प्राइस कम है, और डायरेक्ट प्लान में यहाँ पे खर्चा कम है इसलिए यहाँ पे एनएबी का प्राइस ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और इन दोनों के बीच में, रेगुलर और डायरेक्ट प्लान के एनएबी में डिफरेंस भी बढ़ता जाएगा जैसे जैसे समय बीतेगा, और एक दिन डिफरेंस काफ़ी बड़ा भी हो सकता है। अब इन्वेस्टर ये भी करते हैं कि नहीं, रेगुलर प्लान का तो यहाँ पे एनएबी सस्ता है, यहाँ पे मान लो स्पेस स्मॉल कैप का तो 115 रुपये का एनएबी ही है, जबकि डायरेक्ट प्लान में तो 128 130 रुपये के बीच में है, क्यों हम डायरेक्ट प्लान लें, हम क्यों ना रेगुलर प्लान लें। लेकिन मैं आपको आंकड़े दिखाता हूँ, अगर आप यहाँ पे रेगुलर प्लान के साथ गए होते 2013 के बाद तो कितना आपको नुकसान भी देखने को मिलता। अब मैं आपके सामने 5 साल का हिस्टोरिकल डाटा रख रहा हूं। इस 5 साल के हिस्टोरिकल डाटा में देखो, एक तरफ रेगुलर प्लान है और एक तरफ डायरेक्ट प्लान है। अगर रेगुलर प्लान की बात करूं तो 96% के करीब में रिटर्न देखने को मिला है, जबकि अगर डायरेक्ट प्लान की बात करूं तो 108% के करीब में रिटर्न देखने को मिला। ये 5 साल का आंकड़ा है। तो एनएबी का प्राइस कम आपको दिख रहा है, वहां खर्चा ज्यादा है इसीलिए देखो रिटर्न कम देखने को मिल रहा है, जबकि यहाँ पे खर्चा कम है तो एनएबी का प्राइस धड़ाधड़ ऊपर भाग रहा है और यहाँ पे रिटर्न भी ज्यादा देखने को मिल रहा है। चलिए मैं और भी आपके सामने थोड़ा सा समराइज कर दूं। देखो जो मैं ये डाटा रख रहा हूँ ये रेगुलर प्लान का है, एसबीआई स्मॉल कैप का रेगुलर प्लान का है। अगर आप 4/5/2013 से यहाँ पे एसआईपी स्टार्ट करते, 10,000 का SIP स्टार्ट करते और अब तक कंटिन्यू रखते, रेगुलर प्लान की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपका टोटल जो इन्वेस्टमेंट होता वो आप देख सकते हो 12,10,000 के करीब में। सेल वैल्यू जो होता आज के डेट में 37,94,000 के करीब में। प्रॉफिट के तौर पे आप देख सकते हो 25,84,000 के करीब में, और एनुलाइज रिटर्न की बात करें तो 21.27% के करीब में एनुलाइज रिटर्न है। ठीक, अगर मैं डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्टमेंट करता 2013 से, सेम डेट 4/5/2013 से स्टार्ट करता, यहाँ पे 10,000 का SIP रखता, वो सेल जो डेट है आज तक का अगर मैं कैलकुलेशन करता तो इन्वेस्टमेंट आप देखोगे 12,10,000, दोनों में इन्वेस्टमेंट सेम है, जबकि अगर सेल वैल्यू की बात करोगे तो यहाँ पे 41 लाख के ऊपर देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट के तौर पे यहाँ पे 28,91,000 के करीब में है, और एनुलाइज रिटर्न की बात करूँ तो 23 से 24% के बीच में है। अब देखो डिफरेंस कितना है, वहां पे आपको प्रॉफिट कितना हो रहा था, प्रॉफिट आपको 25,84,000 के करीब, यहाँ पे जो प्रॉफिट हो रहा है वो 28,91,000। आप ये कह सकते हो 29 लाख डायरेक्ट प्लान में यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है और यहाँ पे 26 लाख रेगुलर प्लान में। तो डिफरेंस कितना हुआ, 3 लाख का डिफरेंस हुआ इस 10 साल के अंतराल में। जी हाँ, 3 लाख रुपए का डिफरेंस हुआ 10,000 के SIP के साथ। तो आपको रेगुलर प्लान सेलेक्ट करना चाहिए कि नहीं सेलेक्ट करना चाहिए, इस वीडियो के थ्रू आपको समझ में आ गया होगा। आपका एनएबी में इतना डिफरेंस क्यों है ये भी आप समझ गए होगे, और मैं इसीलिए बार बार इन्वेस्टर को बोलता हूँ कि डायरेक्ट प्लान में फोकस करो। अगर सालाना यहाँ पे 1% का ज़्यादा भी रिटर्न मिलेगा, जो आपका वहाँ पे कंपाउंडिंग होगा उसमें ज़्यादा पैसा बनता हुआ देखने को मिलेगा। तो ये था आज का वीडियो। इस वीडियो से रिलेटेड आपके माइंड में कोई क्वेरी हो, भेजिए कमेंट बॉक्स में, आए क्वेरी जनरेट करें। आने वाले टाइम में बहुत सारी वीडियो लेके आऊंगा। एक हम्बल रिक्वेस्ट, अभी तक चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब, लाइक और शेयर तभी स्टार्ट करें, फिर लेके नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।